और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एलजी हाउस में धरने पर बैठे सीएम केजरीवाल और आईएएस अफसरों के बीच शायद सुलह हो सकती है, आसार दिखने लगे हैं। खुद केजरीवाल ने इस बात को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आज सुलह के आसार, उम्मीद है आज एलजी वक्त निकालेंगे। ये केजरीवाल ने कहा है, 8 दिन में 8 मिनट नहीं निकाल सके एलजी। यानी ट्वीट तो किया है कि आसार है सुलह के, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से केजरीवाल के सामने एकदम तने हुए दिखाई दे रही हैं केजरीवाल, और एक बार फिर से ट्वीट के जरिए निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं। आज 9वां दिन है केजरीवाल के धरने का, एलजी आवास पर बैठे हुए हैं और इसी को निशाना बनाते हुए, मुद्दा बनाते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 8 दिन से मैं धरने पर बैठा हूं और इस 8 दिन में 8 मिनट का भी वक्त एलजी साहब नहीं निकाल सके। हालांकि इस बीच एक राहत के संकेत भी उन्होंने दिए। ट्वीट में उन्होंने ये साफ किया है कि शायद आज सुलह हो सकती है। आपको बता दें, एलजी आवास पर धरने पर बैठे हैं दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल। तमाम उनकी मांगे हैं जिनको लेकर वो धरने पर बैठे हैं, और इस बीच आईएएस अफसर को लेकर भी उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किए थे, निशाने साधा था कि ये लोग भी हड़ताल पर हैं, कामकाज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आईएएस एसोसिएशन ने सामने आकर ये कहा था कि वो हड़ताल पर नहीं है, बल्कि खुद उनके मंत्री, दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं, वो काम नहीं कर रही हैं। यानी कि अधिकारी वर्सेस दिल्ली सरकार, ये स्थिति आज दिल्ली की हो चली है। हालांकि सुलह के आसार सीएम केजरीवाल के ट्वीट से नजर आ रही है, लेकिन सुलह होती है या नहीं ये देखना होगा। इस बीच निशाना जरूर साधते हुए देखे गए हैं अरविंद केजरीवाल एलजी पर। हालांकि इस बीच आपको बता दें, कोर्ट ने भी केजरीवाल को लताड़ लगाई है। कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा है कि आखिर किस कानून के तहत वो किसी के आवास पर जाकर धरने पर बैठ गए हैं। विश्वजीत झा इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। विश्वजीत, एक ट्वीट किया है केजरीवाल ने, सुलह के आसार की उन्होंने बात कही है, साथ ही साथ एलजी पर भी एक बार फिर से एलजी के सामने तने हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि 8 दिन में 8 मिनट का वक्त नहीं निकाल सके एलजी। विश्वजीत, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नम्रता। विश्वजीत, एक ट्वीट किया है केजरीवाल ने, सुलह के आसार उनके ट्वीट में नजर आ रही हैं, क्या माना जाए? देखिए, कल से ही कहीं ना कहीं सरकार की ओर से ही अब ये कोशिश तेज हो गई है, क्योंकि अधिकारियों की ओर से भी नरमी के संकेत दिए गए हैं। और आज मुख्यमंत्री ने सुबह सुबह ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 8 दिनों से वो धरने पर है और उपराज्यपाल ने 8 मिनट का समय भी नहीं दिया उनकी मांगों को सुनने के लिए। उम्मीद जताई है कि आज शायद उपराज्यपाल उन्हें समय दें। कल सीएम ने लिखित रूप से एक चिट्ठी भेजी थी उपराज्यपाल के पास, उसमें भी ये मांग की गई थी कि उपराज्यपाल एक कोई समय तय करे जिसमें कि अधिकारी और जो सरकार के प्रतिनिधि है वो भी बैठेंगे, और उनके बीच ही ये बात होगी, क्योंकि अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा का मसला उठाया था और उनको कैसे सुरक्षा दी जाए ये बात उनके मौजूदगी में ही बैठक में तय की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अभी भी हालांकि तेवर जो है सरकार के जो जो ट्वीट का तरीका है वो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल पर कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से अधिकारियों ने भी नरमी के संकेत दिए हैं, सरकार ने भी कदम आगे बढ़ाया है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज शायद उपराज्यपाल अगर मिलने के लिए या फिर अधिकारियों से बातचीत का कोई वो रास्ता निकालते हैं कि सरकार की मौजूदगी में बातचीत हो, तो हो सकता है कि सुलह का रास्ता निकल आए। लेकिन अभी भी उपराज्यपाल की तरफ से इस मामले में समय का दिया जाना बाकी है और वो अभी तय नहीं कब किस वक्त वो मिलने का समय देंगे या फिर वो नहीं भी मिलेंगे। जी विश्वजीत, क्या माना जाए कि कुछ ना कुछ इसका नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर से 2 मंत्रियों की तबीयत बिगड़ गई और आईएएस एसोसिएशन जो है सामने आकर बोल रहा है कि हम हड़ताल पर नहीं है, कोर्ट ने भी केजरीवाल को लताड़ लगा दी, क्या इसलिए बैकफुट पर आते हुए नजर आ रही है? देखिए, एक तरह से बैकफुट पर सरकार निश्चित रूप से है, लेकिन अब जो जो ट्वीट्स हैं या जो लेटर्स दिए जा रहे हैं या अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो अपनी नरमी दिखाई है, उसमें अब कहीं ना कहीं सरकार की ओर से ऐसा दिख रहा है कि वो उपराज्यपाल को मध्यस्थता के तौर पर लेना चाह रहे हैं कि उनकी मौजूदगी में ही सही अधिकारियों से सुलह का रास्ता निकले। अधिकारी पिछले 4 महीने से यही मांग कर रहे थे कि उन्हें उनके आत्मसम्मान और उनकी सुरक्षा सरकार की ओर से सुनिश्चित की जाए,
लेकिन सरकार इस बात से लगातार पीछे हटती रही। मुख्यमंत्री, मंत्री और पार्टी के नेताओं ने लगातार अधिकारियों को ट्रोल किया। कई अधिकारियों ने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें धमकी दी जाती थी ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया पर भी और सामने में भी। तो अधिकारियों ने मंत्रियों की बैठक में जाने का बहिष्कार किया था, लेकिन ये जरूर था अधिकारियों की ओर से कि वो जो भी ऑर्डर फाइल पर आएंगे वो उसको फॉलो करेंगे और उसी के तहत वो काम कर रहे थे। इसलिए अधिकारी कह रहे थे कि वो स्ट्राइक पर नहीं है, लेकिन सरकार कह रही थी कि वो स्ट्राइक पर है। तो अभी जो संकेत है वो यही है कि उपराज्यपाल को मध्यस्थता की भूमिका में आगे किया जाए। लेकिन दूसरी ओर जो चूंकि कोर्ट में भी मामला चला गया है, कोर्ट से भी शुक्रवार को हियरिंग का वक्त दिया गया और माना जा रहा है कि वहां से भी मुख्यमंत्री के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं आने वाले हैं। लिहाजा उससे पहले ही सरकार चाहती है कि जो रास्ता है उसे अख्तियार किया जाए। और चूंकि दो मंत्री भी बाहर आ चुके हैं तो वो भी अब एक्शन में आएंगे और उनके उन लोगों के सहयोग से माना जा रहा है कि सरकार कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी ताकि अधिकारियों को कम से कम काम पर वापस लाने की, जो अधिकारियों को मंत्रियों के बैठक में नहीं जो जा रहे थे उसके लिए कम से कम मनाया जा सके और जो सरकार ठप जो बाहर से नजर आ रही है उसे एक्टिव मोड में दिखाया जा सके। तो कोशिश हो रही है, लेकिन उपराज्यपाल कब किस वक्त का समय देते हैं, क्या वक्त तय करते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा कि जो सुलह का रास्ता है वो किस ओर जा रहा है। क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री की जिद के आगे सभी बेबस नजर आ रहे थे। सारा कामकाज उपराज्यपाल दफ्तर के चारों ओर जितने भी रास्ते हैं वो सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहाँ के रेजिडेंट से लेकर अस्पताल जाने वाले मरीज, वो तमाम लोग, उस तरह के लोग हजारों लोग ऐसे हैं जो कि परेशान है, पीड़ित है। पुलिस की भी लगातार ड्यूटी लगी है, मीडिया के लोग भी यहाँ पर जमे। तो कहीं ना कहीं सुलह का रास्ता निकालना ही अब आम आदमी पार्टी सरकार के लिए एक आखिरी विकल्प बचा है और इसलिए पार्टी के नेता और खुद मुख्यमंत्री और मंत्री अभी इस जुगत में लगे हैं कि कैसे कोई रास्ता निकले कि धरना को खत्म कराए। बिल्कुल विष्णु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।